हरे कृष्णा हरे ज्ञान तिव्रंद ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मीलितम् येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यविशुतरणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो आज चूंकि गोवर्धन पूजा है और हम लोग अभी तक जिन पास टाइम्स को चर्चा करते आ रहे थे तो हम थोड़ा ही दूर हैं गोवर्धन पूजा से, तो पहले वो पास टाइम को कंप्लीट कर लेते हैं जो पहले हम लोग थोड़े से बचे थे। तो धेनुकासुर का वध हो चुका है, उसके बाद अब वृंदावन में एक विशेष भगवान की एक लीला होगी जिसको सभी इस लीला से जितने भी जो डांसर्स हैं नृत्य करते हैं आज भी या पहले से भी, तो सभी भगवान से प्रेरणा लेते हैं। तो पास टाइम है कालिया दमन का। तो भगवान कृष्ण जब गौओं को चराने लगे, तो गौओं को चराने हुए दूर दूर जाते थे, तो यमुना नदी किनारे किनारे वो काफी अब दूर दूर जाते थे। तो एक ऐसा स्थान था जहां पर वो उनको खेलने के लिए बहुत सुंदर जगह था। तो उस स्थान में जब एक बार भगवान कृष्ण खेल रहे थे तो वहां से कुछ उन्हें समाचार मिला कि कुछ गौएं हैं जो बाकी जो सीनियर जो बड़े ग्वाल थे उन लोगों ने आके बताया कि पानी जहरीला है, यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और जो भी गाय वहां जाती है उधर पानी पीती है तो वो मर जाती है या मूर्छित हो जाती है, तो हमको भी वहां नहीं जाना है। तो उन्होंने बच्चों को स्पेशली बता के रखा था क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे कहीं उस जगह पर गाय चराने ना चले जाए, है ना। तो अब उन लोग देखिए तालवन नहीं जाना चाहिए था, वहां चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था, बच्चे वहीं पहुंच जाते हैं आगासुर, और ये बच्चों के साथ ही कुछ ना कुछ घटना घट रही है। तो वो कृष्ण को लेके बहुत चिंतित थे, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि इनको पहले से बता दिया जाए उस जगह पर नहीं जाना है। तो फिर इन्होंने पूछा, बच्चे तो पूछते रहते हैं हर चीज में कि क्यों क्या क्या क्यों जहर हो रहा है, क्यों जहर फैल रहा है। तो वहां पे बताया कि वहां पे कालिया नाम का बहुत विशाल सर्प भयंकर सांप जो कि बहुत जहरीला है और उसके जहर के प्रभाव से ही यमुना नदी पूरी विषैली हो गई है। वो हमारे साइड तो फिर भी थोड़ा ठीक है लेकिन फिर भी अभी यमुना नदी का जल यूज करने के लायक नहीं है। यमुना नदी को श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी ने आध्यात्मिक द्रव मतलब स्पिरिचुअल लिक्विड बताया। तो स्पिरिचुअल लिक्विड दूषित कौन कर सकता है, आध्यात्मिक रस आध्यात्मिक द्रव को कौन खराब कर सकता है जहां पर द्वेष हो जहां पर ईर्ष्या हो। तो कालिया जो सर्प है वो इसी का प्रतीक है, द्वेष का ईर्ष्या का। ईर्ष्या तो खैर शिशुपाल है लेकिन यहाँ पर जो एक द्वेष रहता है दूसरों के प्रति उसका प्रतीक है कालिया। और ये जहर के रूप में भरा रहता है, हम सबके हृदय में द्वेष जो है वो जहर के रूप में भरा रहता है। तो कालिया भी ऐसे ही इसी चीज का प्रतीक है। तो भगवान कृष्ण जब ऐसा सुने तो उन्होंने तुरंत निश्चय कर लिया कि किसी न किसी बहाने अभी तो हम कालिया का वध करेंगे, और वध नहीं तो उसका कम से कम द्वेष खत्म करेंगे। और भगवान के मन में तो था कि इसका भी उद्धार करना है, खैर वो जो भी होगा भविष्य आगे। तो भगवान कृष्ण कुछ तरीका ढूंढ रहे थे कि कैसे हम उसका उद्धार कर सके। तो यमुना नदी के तट पर ग्वाल बाल जाते थे सबके मना करने के बावजूद, और बोलते थे कि हम पानी में नहीं जाएंगे लेकिन हम पास में जाएंगे, देखेंगे तो सही मतलब होता क्या है। थोड़ा बच्चों को अब सांप के मुंह में घुस सकते हैं तो नदी के किनारे जाने में क्या दिक्कत है, सांप तो अंदर रहता है, एक सांप के मुंह में घुस सकते हैं तो दूसरा सांप है, तो हम बड़े बड़े सांप देख लिए अभी कालिया सांप के, तो अभी इसके तो मुंह में भी नहीं जा रहे, सांप तो खुद पानी के अंदर है तो बाहर है। बच्चों का तो कितना भी बोलो तो सुनने वाले नहीं। तो बच्चे गए थे बॉल लेके क्रिकेट खेल रहे थे, तो संस्कृत में उस शब्द आता है कंदुकेनम, पहले कंदुकेन बोलते हैं बॉल को। हम पहले बचपन में संस्कृत में हमने पढ़ा था एक
भगवान कृष्ण का ये काल्य दमन वाला लीला संस्कृत में हमारे था, तो उसमें था कि कंदुकेन, भगवान कंदुकेन खेल रहे थे, वो कंदुकेन क्रीडायाम है ना, तो बॉल खेल रहे थे। अब खैर क्या खेल रहे थे तो पता नहीं, तो वो जो बॉल थी ऐसा बताया जाता है कि वो पानी में चली गई, तो पानी में चली गई तो उसको लेने के लिए भगवान कृष्ण कूदे पानी में, ये बहाना था ताकि लोग ये ना बोले कि क्यों कूदा था, तो बॉल लेने गया था, बॉल तो मिलेगा नहीं तो कूद गए, तो कूद गए। अब बंदर फिर कालिया सांप को भगवान जानबूझ कर जाकर उसको उकसाने लगे, और फिर आप लोग इस तरह जानते हैं कालिया दमन की लीला हुई कि भगवान कृष्ण हजारों हजारों कालिया के फन थे, उन फनों पर भगवान ने नृत्य किया। नृत्य क्या किया, भगवान के लिए तो नृत्य था लेकिन कालिया के लिए तो वो ऐसा था कि जैसे ऊपर वज्र प्रहार, जैसे वज्र प्रहार है, हमको जैसे सिर दर्द होता है बोलते ना सिर फट रहा है, तो उसके लिए उससे कई हजार गुना ज्यादा था, जैसे सिर फोड़ फट रहे। तो भगवान कृष्ण ने तो बहुत आराम से नृत्य किया। अभी नृत्य करने वाले ही समझ सकते हैं, एक स्टेबल जमीन पे अगर कोई नाचता है तो भी डांसिंग स्टेप गलती हो जाता है। डांस इंडिया डांस वाले आजकल हर चीज में खामी निकालते हैं, ये यहाँ पे ये गड़बड़ था, वो गड़बड़ था, लेकिन भगवान कृष्ण के पास तो अनइवन सरफेस था, अनइवन सरफेस। सबसे ज्यादा संसार में अगर कोई सबसे चिकना, अभी कोई भी चिकना चीज कहे तो अभी सांप का जो स्किन होता है वो बहुत चिकना होता है और सॉफ्ट होता है, यही कारण है कि विष्णु जी उस पर विश्राम करते हैं, सोते हैं, का बेड परफेक्ट बेड है। सबसे ज्यादा कहें तो डल्लम का गद्दा जो आपको मिलेगा ना, तो वो सांप का शरीर है, एकदम सॉफ्ट और चिकना, उस पर भगवान नाच रहे हैं, और नाच रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अनइवन सरफेस है, अगर थोड़ा भी गलती हुआ तो मतलब आप सिर पे नाच रहे सांप के, वो सांप कभी भी आपको डस सकता है, मार सकता है, ये रिस्क भी। इसके साथ ही भगवान एक हाथ से बांसुरी, मतलब बांसुरी बजा रहे और नाच भी रहे, ये भगवान का विशेष नृत्य था जिसको देखने के लिए सभी लोग आए थे, क्योंकि भगवान बाकी सारी लीलाएं कर रहे थे, यहाँ पे जो लीला थी ये सब लोग को, जितने देवी देवता भगवान सब देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी, तो उन लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, वाह क्या नृत्य है, ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा ना कभी होगा। तो इस घटना को जब नंद महाराज यशोदा माता को पता चला कि कृष्ण को कालिया के चंगुल में फंसा हुआ है, तो लोग सुनते ही आधा बेहोश हो गए, उसके बाद दौड़ते भागते वहां तक पहुंचे, दौड़ते भागते पहुंचे तो जब माता यशोदा ने देखा भगवान कृष्ण को, वो तो वहीं मूर्छित हो गई, उनको संभाल ही नहीं पाई कि कृष्ण का क्या होगा। फिर नंद महाराज भी बहुत चिंतित थे, सब लोग पुकार रहे थे कृष्ण आ जाओ क्या कर दिए, सब रो रहे हैं वहां पे कि अब तो बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि पूतना थी भगवान ने बचा लिया, त्रिणावर्त कैसे तो मर गया, कैसे कैसे सब मर गए, लेकिन यहाँ तो कालिया तो भयंकर जहरीला है। और उन्होंने देखा भी था कि कालिया के विष से कई सारी गायें कई सारे ग्वाल भी मर चुके थे, तो अब यहाँ पर कृष्ण का भी बहुत चिंतित थे कि कैसे होगा। तो फिर उन्होंने देखा जो जो थोड़े बहुत ही लोग देख पा रहे थे, बाकी लोग तो अपना आँख फेर लिए थे क्योंकि उनको देखना सहन नहीं पा रहा था, इस तरह की सिचुएशन इस तरह की घटना को देख नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुंह फेर लिया था, कोई बेहोश हो गया था, रो रो के आँख में आंसू भर भर के आँख ही पूरा कुछ दिख नहीं रहे, आंख में पानी भरा हुआ, वैसे सिचुएशन में भगवान ने फिर कालिया को उद्धार किया, उसको कालिया की जब कालिया के सारे विष निकल गए तभी भगवान ऊपर खड़े होकर पैर मार रहे थे, तो कालिया ऑलमोस्ट अब मरने वाला था, तो उनकी पत्नी आई, नाग पत्नी आई, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि अब तो सारा विष निकाल दिया आपने प्रभु, अब तो छोड़ दीजिए, अब ये किसी काम के नहीं रहे। तो भगवान बोले कि कोई बात नहीं, ये तो विष तो फिर आ जाता है, तो इसको यहाँ से चले जाने के लिए कहो और कभी यहाँ यहाँ दिखना मत। कालिया बोला कि प्रभु मैं तो यहाँ इसलिए था क्योंकि गरुड़ को इधर श्राप है, गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता, गरुड़ यमुना नदी में शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं यमुना नदी में छिपा हुआ था, अगर मैं बाहर रहूं तो कहीं और जाऊं तो गरुड़ मुझे परेशान करेगा, तो मैं क्या करूं, गरुड़ जी को श्राप था कि यहाँ पे वो नहीं कर सकते।
भगवान बोले कि कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हारे ऊपर नृत्य किया, तुम्हारे सर के ऊपर, तुम्हारे प्रत्येक सिर पर मेरा पैर का, मेरे चरण का चिन्ह बना हुआ है, भगवान ने स्टैंप लगा के दिया है, इसे चरण चिन्ह लग गया है, तो अभी आपको कोई भी कभी भी गरुड़ आपको परेशान नहीं करेगा, आप वैष्णव हो गए, वैष्णव का सिंबल है। अभी आप क्या करना, किसी भी जीव को परेशान मत करना, अपने भोजन के लिए जितना आवश्यक है उतना ही शिकार करना, और कोई अननेसेसरी परेशान करने की आवश्यकता नहीं, और अपना विष को कंट्रोल में रखो। विष जब बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, सांप के केस में क्या होता है कि विष जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो सांप पागल हो जाता है, और वो यहाँ वहां विष पटकने लगता है, इधर उधर फुफकार मारने लगता है जब सिर में चढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य बहुत ज्यादा द्वेषी हो जाता है तो यहाँ वहां सबकी बुराई, निंदा, सबके बुरे बारे में खराब सोचने लगता है, और उसमें फिर भगवान भी कोई अछूते नहीं रहते, भगवान के प्रति भी द्वेष। तो इच्छा द्वेष समुद्र न द्वंद्व मोहे न भारत, भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये इसी कारण से जीव इस संसार में आया है, इसी कारण से ये जीव इस संसार में फंसा है, इच्छा करता है और द्वेष करता है, ये दो कारण से। हमें बार बार इच्छा होती है, इसीलिए आगे का जीवन अगला बॉडी बनता जाता है, इच्छा के माध्यम से कर्म करते हैं, कर्म के माध्यम से शरीर बनता है अगला, और हम फंसे हुए चल रहे हैं, और द्वेष करते हैं, इसीलिए ना तो किसी से अच्छा ही ज्यादा अच्छा है ना किसी से बुरे, क्योंकि तो दोनों एक्सट्रीम में आप कर्मों के बंधन में फंसेंगे, एक पाप की तरफ एक पुण्य की तरफ, एक अटैचमेंट की तरफ ज्यादा अटैचमेंट, और एक ज्यादा किसी से आप वेयर करोगे वो भी एक अटैचमेंट है, वो भी एक अटैचमेंट है, क्योंकि हमेशा वो याद आता रहेगा कि वो मेरा उससे दुश्मनी है। तो ये दोनों चीज नुकसान है, एक्सट्रीम पोजिशन, तो बीच में रहना है न्यूट्रल डिटैचमेंट वाले के पास। तो कालिया सांप का जब भगवान ने सब इस तरह से सारा विष निकाल दिया तो कालिया को कहा कि तो तुम यहाँ से चले जाओ, तो कालिया बोले ठीक है, अपने नाग पत्नियों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ कालिया वहां से निकल गया। कहते हैं कि कालिया आज भी है, कालिया आज भी है, क्योंकि तो कालिया तो उस समय से था, अभी भी है। तो जब श्रील प्रभुपाद जी फिजी आइलैंड गए थे, विदेश में एक जगह फिजी आइलैंड करके, तो फिजी आइलैंड के जो लोग थे वो कहते थे कि प्रभुपाद जी, जो भक्तों ने बताया कि प्रभुपाद जी यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत जहरीला सांप है, उधर पहाड़ के पास में जो बर्फीला पहाड़ है उधर एक बहुत जहरीला सांप है, हालांकि आज तक किसी ने उसको देखा नहीं है, लोग ऐसा मानते हैं, लोग कहते हैं कि वहां जो भी जाता है उस जगह पे वो या तो पागल हो जाता है या तो वो आता नहीं वापस। तो प्रभुपाद जी बोले कि हो सकता है, प्रभुपाद जी को यह भी बताया गया कि फिजी आइलैंड में कोई भी जहरीला जीव जंतु कोई भी नहीं है, फिजी आइलैंड में एक भी जहरीला जीव जंतु नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रभुपाद जी बोले कि क्योंकि वहां पे कालिया है ये तो श्योर है, फिर कालिया अगर होगा इसीलिए यहाँ पे आसपास कोई और जहरीला जीव जंतु नहीं, क्योंकि वो सबको उसने मार दिया होगा, वो दूसरा और कोई पनपने देगा। तो फिजी आइलैंड में आज भी इस्कॉन का जो मंदिर है, पूरे विश्व में एकमात्र मंदिर है जहाँ पे भगवान कृष्ण का ऐसा विग्रह है जो कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, ऐसा विग्रह इस्कॉन, उसका नाम भी है कालिया कृष्ण मंदिर, ऐसा करके कुछ। तो वो फिजी आइलैंड में मंदिर है इस्कॉन के। तो देखिए आज भी कालिया जीवित है, लेकिन चूंकि भगवान का आदेश है, भगवान का आशीर्वाद भी है, इसलिए किसी और को परेशान नहीं करता, वैष्णव है कर लीजिए, वैष्णव ऐसा नहीं कि वैष्णव मतलब फिर चार नियम का पालन करेगा, वो हमारे लिए है। जैसे गरुड़ है, गरुड़ का भोजन क्या है, नॉन वेजिटेरियन, वो तो नॉन वेजिटेरियन है गरुड़, तो गरुड़ का बोलो कि नो मीट ईटिंग, उसके लिए नहीं है, वो वैष्णव है, भक्त है, वो भक्त है। उसी तरह से कालिया भी भक्त बने, लेकिन सांप का जो भोजन है तो करेगा ना, लेकिन मनुष्य के लिए जो कहा गया है हमारे लिए चार नियम। कालिया दमन के बाद जब भगवान कृष्ण वापस आते हैं तो सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि ये तो आश्चर्य की बात है, ये घटना को सब लोगों ने लाइव देखा, अभी तक जो भी घटना घट रही थी इसको कोई सामने से देख नहीं रहा था कि वो क्या रहा, होता कैसे, भगवान कृष्ण मारते कैसे, यहाँ भगवान कृष्ण ने मारा नहीं क्योंकि सब लोग सामने भी थे, बड़ी आराम से उसको जाने दिया, सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यमुना नदी पवित्र भी हो गई, सांप चला भी गया, कृष्ण भी गया,
सब चीज एक साथ। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लगता है कि भगवान विष्णु ने सांप के अंदर से प्रेरणा दी और उसने इनको छोड़ दिया इस बालक को बच्चा समझ के, और वो सांप चला गया यहाँ से। काले दमन के लीला के बाद ऐसी एक बार और की बात है, जब भगवान कृष्ण गौओं के साथ सभी बाल बालों के साथ जंगल में चराने गए थे और वहां खेल रहे थे। तो खेलते खेलते एक उनका इस तरह का गेम था, रस्सा कस्सी, रस्सी खींचने वाला जो गेम होता है ना, रस्सी खींचते। तो दो टीम बनाई गई बाल बालों की, दो टीम, एक टीम के लीडर थे कृष्ण, एक टीम के लीडर थे और दूसरे टीम के बलराम। तो कृष्ण बलराम हम लोग आज भी टीम बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो टीम पहले से बना हुआ है। हम लोग आजकल टीम बनाते हैं गौराम नित्यानंद कृष्ण बलराम, तो कृष्ण बलराम टीम पहले से था। तो कृष्ण जी और बलराम जी, तो इतने में एक असुर था, प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर एक बालक के रूप में वो भी आ गया, वो भी एक बाल बाल के रूप में आ गया बालक के रूप में, और उसने बोला कि मैं कृष्ण के साथ खेलू, मतलब कृष्ण की टीम में रहूंगा। तो कृष्ण भी देखे कि ये थोड़ा हट्टा कट्टा है, तो हाँ हाँ ये हमारी साइड आ जाए, हम लोग जीतेंगे। तो बलराम बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, तुम हट्टे कट्टे लोग को अपने पास ले जा रहे हो, मधु मंगल तुम्हारे साइड, ये तुम्हारे साइड। तो कृष्ण बोले नहीं नहीं आप बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, मुझे मांगने का अधिकार है। होता ना जब मांगते हैं ना, ये मेरे तरफ है तुम्हारे तरफ। तो जैसे प्रलंबासुर आया एक बालक के रूप में, भगवान बोले ये हमारी तरफ रहेगा। तो फिर इमीडिएट प्रलंबासुर भगवान के साइड आ गया। तो जब रसा कस्सी हुआ तो बलराम जी का टीम हार गया, बलराम जी का टीम हार गया, सॉरी भगवान कृष्ण का टीम हार गया, भगवान कृष्ण का टीम हार गया। बलराम जी ने अच्छा खासा रस जोर लगाया और सबको हरा दिए। बलराम जी खुश हो गए, ये देख लो चीटिंग करने का यही फायदा, यही नतीजा होता है, तुमने अपने हिसाब से सब कट्टे कट्टे लिया लेकिन जीता कौन, देखो हम लोग ईमानदार थे। तो रिजल्ट ये था कि जो टीम हारेगी उस टीम के लोग, जो जीतने वाली टीम के एक एक को अपने कंधे पे बिठाएंगे और रेस लगाएंगे, दौड़ेंगे। तो उनको अपने कंधे पे बिठा के कुछ दूर तक उनको लेके जाना है। तो सभी लोग अपने अपने कंधे पे भगवान कृष्ण की टीम से बिठाने लगे बलराम जी टीम। तो प्रलंबासुर ने बोला कि मैं बलराम को अपने कंधे में बिठाऊंगा, बलराम जी को, ये लीडर थे। तो भगवान भी बोले हाँ तुम थोड़े हट्टे कट्टे हो तो बलराम को तुम ही बिठा लो। प्रलंबासुर ने बिठा लिया। बलराम जी को अभी तक पता नहीं है कि ये प्रलंबासुर है, बलराम जी अभी तक सोचे नहीं, क्योंकि खेल में मग्न है, खेल में ज्यादा मग्न रहते हैं तो ज्यादा ध्यान नहीं देते कि कौन नया है कौन पुराना है, डिस्क्रिमिनेशन इतना नहीं करते, एकदम लगे हुए हैं। जैसे हम भी कभी कभी खेलते हैं, खेलते थे बचपन में, तो कभी कोई नया लड़का आएगा तो इमीडिएट हम लोग टीम में बांट लेते हैं, ये नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या है, मेड उसको खेलने के लिए शामिल कर लेते हैं। इसी तरह से प्रलंबासुर भी आ गया। तो जब प्रलंबासुर भगवान बलराम को बिठा के जब दौड़ने लगा तो सब लोग दौड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा तेजी से दौड़ते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा, दूसरी दिशा में। तो जैसे ही दूसरी दिशा में जाने लगा तो बलराम जी खबर आ गए कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। आश्चर्य की बात है, बलराम जी ने खबर आ रहे हैं कि किधर लेके जा रहे हैं, मुझे कहाँ, कहीं परेशान, कहीं कुछ तो नहीं। तो पीछे से भगवान कृष्ण ने चिल्लाया कि भैया भैया वो असुर है, असुर, तो वो असुर है। तो बलराम जी को तब ध्यान आया चाहिए असुर है, जब उनको ध्यान आया तो वो बोले उतार मुझे, उतार मुझे। तब तक बल प्रलंबासुर फिर अपना असली रूप में आ गया, बड़ा सा असली रूप में, और फिर वो हवा में उड़ के भागने लगा। तो बलराम जी तुरंत उसको उस पर मुस्टिक प्रहार प्रहार करने लगे अपने मुक्के से, जोर जोर से। भगवान जब बलराम जी ने जब दो तीन बार मारा तो उधर ही उल्टी कर दिया उसने खून का, और खून की उल्टी करते हुए प्रलंबासुर गिर पड़ा, वहीं उसका डेथ हो गया, सिर फूट गया, ब्रेन हेमरेज में उल्टी हो गया उसको खून। जब हमारे ब्रेन पे ज्यादा अटैक होता है तो इधर से ब्लड खून स्रावित होने लगता है ना, खून निकलता है, तो उस तरीके से वो खून की उल्टी करते हुए गिर पड़ा। तो श्रील भक्ति ने ठाकुर जी ने इस प्रलंबासुर को बुद्धिस्ट फिलोसफी मायावाद इसका नाम दिया है, ये छद्म दर्शन है,
बात। तो प्रलम्बासुर क्या करता है, बलराम जी को सारे भक्तों एवं भगवान से दूर लेके चला जाता है। इसी प्रकार से जो मायावाद दर्शन है ये गुरु को भी उसी प्रकार से, गुरु का जो पोजीशन है उनको इसी प्रकार से दूर ले जाता है। और दूर ले जाकर क्या करता है, वो सोचता है कि मैं गुरु को दूर ले जाऊंगा तो कृष्ण मर जाएंगे, है ना, भगवान का तो ऐसे भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मायावाद दर्शन में क्या होता है कि आप भी भगवान है, ये भी भगवान है, मैं भी भगवान, तो मैं जिस गुरु के पास जा रहा हूँ गुरु से मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। कुछ समय बाद प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई आप गड्ढे में पड़े हैं और आपको कोई गड्ढे से बाहर निकाल रहे हैं, और जैसे आपको गड्ढे से उसने बाहर निकाला, आपने जिस व्यक्ति ने आपको बाहर निकाला उसको आपने लात मार के गड्ढे में डाल दिया, अब आपने उसका पोजिशन ले लिया। इसी प्रकार से जैसे जब किसी गुरु से हम शिक्षा ले रहे हैं कि हमें भक्ति में हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो मायावाद ये सिखाता है कि फिर धीरे धीरे हम उसके पोजीशन में आ जाएं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्या करने के लिए, भगवान बनने के लिए। ये मायावाद का सिद्धांत है कि एक दिन हम भगवान की पूजा करेंगे, एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। तो ये वही बात होगी कि आप उनको ही रिप्लेस कर रहे हैं, अब भगवान तो एक ही होते हैं ना, भगवान एक ही होते हैं, आपने भगवान को रिप्लेस करके आप खुद भगवान बन गए। तो ये प्रलम्बासुर यही काम करता है, ये गुरु जो गुरु तत्व है जो हमारे जीवन में सिखाते हैं इनको दूर ले जाता है, इनको हमसे दूर ले जाता है ताकि हम वहां पर फिर गुरु को पालन न कर सके गुरु के आदेश का, और सही सिद्धांत हमें नहीं दिखाता। बुद्धिस्ट फिलोसफी, छद्म फिलोसफी ना, छिपा हुआ, ये एक अच्छे आपको अच्छे फिलोसफी के रूप में, अच्छे दर्शन के रूप में आपके सामने आएगा, आपको अच्छा लगेगा, हाँ ये तो भगवान की तरफ ही ले जा रहे हैं, भक्ति करा रहा है। पर धीरे 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 आपको समझ में आएगा ये तो कोई हमको कहीं और ही ले जा रहे हैं, ये दूसरी दिशा में ले जाता है। और गुरु को तो ले जाता है पर इसका वध कौन करता है, इसको मारता कौन है, गुरु ही मारता है, इसीलिए उनको दूर लेके जाता है। क्योंकि अगर गुरु आ गए तो सब शिष्यों को सिखा देंगे कि नहीं तुम भक्त नहीं, तुम भगवान नहीं बन सकते, जीव का पोजीशन जीव ही है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, ये कौन सिखाता है, ये गुरु सिखाते हैं, श्री प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, प्रभुपाद जी नहीं आते तो कौन बताता, प्रभुपाद जी नहीं आते तो कौन बताता कि भगवान और हम एक नहीं हो सकते। ये तो प्रभुपाद जी ने क्लियरली अपने हर किताब में बार 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 इस चीज को लिखा है कि जीव अलग है और भगवान अलग है, अचिंत भेद भेद है, हम में कुछ भेद भी है और कुछ समानताएं भी है, लेकिन हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, तो ये गुरु ही सिखाते हैं। और प्रलम्बासुर का वध ऐसे ही, इसीलिए बलराम जी ने किया, प्रलम्बासुर का वध हुआ, सारे ग्वाल बाल सोचे कि हाँ अरे हमारे साथ कृष्ण ही नहीं, अब बलराम भी, ये भी मारते हैं, रेणुकासुर का वध हुआ था, लेकिन अभी प्रलम्बासुर को जब मारे तो उनको लगा कि अभी हमारे एक 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 प्रोटेक्टर नहीं है, अभी दो दो रक्षक है, अभी दो लोग हमको मिलकर सहायता कर रहे हैं, तो अब तो हमको जन डरने की चिंता ही नहीं। प्रलम्बासुर के बाद अब विशेष कोई खास असुर तो उस समय तक नहीं आए, तो सब कुछ बढ़िया आनंद पूर्वक चल रहा था वृंदावन में। लगभग 7-8 वर्ष के थे भगवान कृष्ण, 7 वर्ष के थे, तो हर वर्ष की भांति नंद महाराज एवं बाकी सारे ग्वाल बाल इंद्र पूजा के लिए सम्मान जुटाने लगे। तो इंद्र जी का पूजा होना था तो उसके लिए सम्मान जुटाना था, बहुत भारी मात्रा में सामान जुटा रहे। तो ये लगभग इसी दीपावली का समय रहता था, तो सामान वगैरह जब जुटाया जाता था तो काफी मेहनत होता था उस समय, दीपावली इतना मनाने का उनका प्रथा था कि नहीं था ये पता नहीं, लेकिन इंद्र पूजा होती थी उसके अगले दिन, तो इंद्र पूजा के लिए सामान जुटाते थे। तो भगवान कृष्ण एक बार पूछ लिए, थोड़ा सयाने हो गए ना 7 साल, तो थोड़ा अब उनमें ये सब चीजें पूछने की उनके बात आ गई। जब पिछला साल था 6वां साल, उसमें तो सभी के सभी कृष्ण थे, सभी ग्वाल बाल, सभी गाय, ये सब तो कृष्ण थे, उस वाले ये साल में नहीं पूछा उन्होंने। जब 5 साल के थे तब तो बच्चे थे, उनको बच्चा माना जाता था क्योंकि बछड़ा चराते थे, अब गाय चराने लग गए, अब वो भी ग्वालों की श्रेणी में आ गए। अब उन्होंने पूछा प्रश्न 7 साल कि बाबा ये किसके लिए पूजा कर रहे हैं आप, क्या पूजा होता है।
लेकिन ये हम इंद्र जी को प्रसन्न करते हैं। क्यों इंद्र को क्यों प्रसन्न करते हैं? तो उन्होंने बताया इंद्र जो है वो बादलों के देवता हैं, और जब भी हम क्योंकि ग्वाल बाल हैं, हम क्योंकि ग्वाले हैं, हमारा पूरा जो जीवन है वो गाय पे और अनाज पर टिका हुआ है, और गायों को भी तो अनाज चाहिए, गायों को भी तो घास चाहिए, तो ये सब तभी होगा जब वर्षा होगी। भरपूर मात्रा में वर्षा होने के लिए इंद्र हमें सहायता करते हैं, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि वो जब प्रसन्न होकर वर्षा करते रहे। तो भगवान कृष्ण इस दृष्टांत में कर्म मीमांसा के दर्शन का प्रतिपादन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण कर्म मीमांसा के सपोर्टर है। कर्म मीमांसा सिद्धांत बताता है कि भगवान सर्वोच्च नहीं है। कर्म मीमांसा जो लोग पालन करते हैं, जो मानते हैं उसको, वो ये मानते हैं कि भगवान सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च सिद्धांत ये है कि आप अगर अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अगर बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। तो कर्म ही प्रधान है, भगवान प्रधान नहीं। भगवान को मजबूरी में आपके कर्म का फल आपको देना ही पड़ेगा, ये कर्म मीमांसा वाले समझते हैं। जबकि भगवान के भक्त मानते हैं कि भगवान के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप अच्छा कर्म भी करो लेकिन अगर भगवान की जो इच्छा वो फल दे, तो कर्म मीमांसा का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं भगवान। वो बोलते हैं कि अगर आप लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने चार वर्ण और आश्रम का जिस तरह से हम लोग सही पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो इंद्र को देना ही पड़ेगा। वो तो भगवान ने है ना, उनको तो भगवान ने अपॉइंट किया है कि वो वर्षा करें, तो वो क्यों रोकेंगे? अगर आप सही काम कर रहे हैं तो इंद्र को तो देना ही पड़ेगा, वो आपका हिस्सा नहीं रोक सकते। सब लोग समझाते हैं, नंद महाराज समझाते हैं, नहीं बेटा तुम छोटे हो, देखो हमको जो भी कुछ देता है हमको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो इंद्र हमें इतना सब कुछ देते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो ये आज की उस तरह की बातें हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका काम है आपके लिए वो सेवा करके देना, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा सम्मान आपसे एक्सपेक्ट करता है, थोड़ा सा रिश्वत आपसे एक्सपेक्ट करता है, उसका काम है वो चीज करना। फिर भी उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्र जी के भगवान कृष्ण भी वही बोल रहे हैं कि इंद्र जी तो वहां पे अपॉइंटेड है ना, इंद्र जी को तो आपको हेल्प करना, वो तो करेंगे ही। अगर आपने अच्छा कर्तव्य, अपने जो कर्तव्य अपना पालन कर रहे हैं, तो उनको तो फल देना ही पड़ेगा, इसमें कोई कोई ना वाली बात ही नहीं है। तो इंद्र आपके हिस्से को रोक नहीं सकते, तो इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? अब वो लोग बोले ठीक है चलो तुम बोल ही रहे हो, तो तुम क्या चाहते हो, तुम ये सब चीज क्यों? भगवान बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि गोवर्धन हमको सब कुछ देता है। हम गोवर्धन को तो कुछ नहीं देते ना, गोवर्धन तो हमारे लिए अपॉइंटेड नहीं है। हम तो गोवर्धन से जाके उसका घास ले लेते हैं, उससे फल ले लेते हैं, गाय जाके वहां चरती है, गोवर्धन के पेड़ हमें छांव देते हैं, वहां से लकड़ियां मिलती है, वहां से हमें झरने नदियां पानी सब कुछ मिलता है। तो क्यों ना हम गोवर्धन की पूजा करें, इंद्र की पूजा क्यों करें? वो तो सिर्फ हमें पानी देता है, वो भी क्योंकि उनका देने का कर्तव्य है, वो तो जिम्मेदारी होती है, इट्स हिज जॉब। तो नंद महाराज इसका कुछ उत्तर नहीं दे सके। भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा तार्किक बातें कर रहे थे। सभी वृंदावन वासी इकट्ठा हुए, उन्होंने नंद महाराज को बोला, नंद महाराज ने कृष्ण को बोला कि अरे ठीक है तुम्हारी बात समझ में आ रही है, एकदम लॉजिकल है, फिर भी हम लोग का ये प्रथा है इंद्र कहीं नाराज ना हो जाए। भगवान बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बड़ा अहंकारी है, वो कैसा सेवक है। तो हमको देखिए इतना ये सब मत सोचिए, भावुक मत होइए, हमको सेवा करना चाहिए उसका जिस जो हमें दे रहे हैं, तो हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो सब लोग अब भगवान कृष्ण को वैसे कभी तो टाल नहीं पाते हैं, और यहाँ पर इतना पांडित्यपूर्ण भगवान जब बातें कर रहे हैं तो भी क्या मना करें। बोले ठीक है भाई, ठीक है चलो, सामग्री तो इकट्ठा हो ही गई है, अब गोवर्धन पूजा कर लेंगे। तो भगवान को उन्होंने पूछा, अब भाई तुम 7 साल के बच्चे हमारे यजमान ही बन रहे हो, तो यही बता दो कि पूजा कैसे करना है। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनको बताया कि कैसे पूजा करना है। उन्होंने बोला कि अलग अलग पकवान बनाइए, अन्न का बड़ा बड़ा ढेर इकट्ठा कीजिए, अन्नकूट उत्सव बोलते हैं इसको, ऐसा आप इकट्ठा कीजिए, बहुत सारे पकवान भारी मात्रा में बनाइए और हम गोवर्धन को ऑफर करेंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग बांटेंगे सबको एज ए प्रसाद।
तो सब लोग बोले ठीक है, सब लोग राजी हो गए, चलो यही करते हैं। सब लोगों ने मिलके गोवर्धन जी का पूजा किया। तो गोवर्धन जी का जब पूजा करने के बाद उन्होंने गोवर्धन को ऑफर किया, बहुत विशाल बड़े बड़े अन्न के ढेर उसमें बनाए गए थे, चावल का, फिर दाल का अलग बना के कुछ उसका कुंड बनाए थे, स्वीट राइस, फिर सब्जी के अलग अलग कुंड, दही के, घी के, सब अलग अलग बहुत बड़े बड़े कुंड बने हुए थे विशाल एरिया में, बहुत बड़े एरिया में ऐसा फैला हुआ था। तो गोवर्धन जी का पूजा हुआ, तो गोवर्धन जी जब ऑफर किए तो भगवान कृष्ण ही एक रूप में, बड़े रूप में आ गए वहां पर, और वो वहां से फिर सब खाने लगे। इधर भगवान कृष्ण है, उधर गोवर्धन के बगल में भगवान कृष्ण एक रूप में आके भगवान खाने लगे। तो सब लोग बोले अरे देखो गोवर्धन हमारा प्रसाद स्वीकार कर, गोवर्धन खा रहे, देखिए। तो सब लोग खुश हो गए, अरे वाह ऐसा पूजा मस्त है, ये तो क्या पूजा हो रही है। तो सब कुछ होने के बाद उन लोग, गोवर्धन पूजा कंप्लीट हुआ, सब लोग आपस में प्रसाद बांटे, सब उत्सव समाप्त करके सब लोग घर लौटे। जब सब लोग घर लौटे तो अगले दिन, अब यहाँ पर ये बात स्वर्ग में इंद्र जी को पता चली, तो इंद्र जी को पता चली तो जिन लोगों ने बताया उन लोगों ने भी थोड़ा और मिर्च मसाला ऐड करके बता दिया। बोला कि आपको तो पूछते ही नहीं उन लोग, अभी तो वो एक छोटे बच्चे का सुनते हैं, 1-7 साल का बच्चा है, बच्चे ने उनको बोल दिया कि इंद्र का पूजा क्यों करते हो, इंद्र का तो ड्यूटी है, तो आपको क्या, आपको तो कुछ समझते नहीं है, और बताइए आपके जगह पत्थर का पूजा कर ली, गोवर्धन का, एक पहाड़ का पूजा कर ली। इंद्र को और गुस्सा आ गया, पहला तो ये गुस्सा था कि भाई इस बार कुछ सम्मान नहीं किया, लोग प्रथा थी, प्रथा कैसे तोड़ दी, और ऊपर से इस तरह की बातें कि मेरे बजाय उन लोग पर्वत का पूजा किए। चलो ठीक है, मेरा पूजा नहीं किए तो ब्रह्मा जी का करते, शिव जी का करते, विष्णु जी का करते, तो हम सह लेते, ये पर्वत का पूजा कर दिया लोग, कोई इज्जत ही नहीं हमारी। तो इंद्र जी को बड़ा गुस्सा आया, इंद्र जी ने फिर अपने सबसे पावरफुल जो बादल है उसको, उसका नाम है संवर्तक, संवर्तक, तो उसको बुलाया, बोला कि जाओ और वृंदावन में टूट पड़ो। तो संवर्तक जो बादल है वो प्रलय के समय बुलाया जाता है, ताकि ऐसा होता है प्रलय के समय में जब भारी मात्रा में यहाँ पर दुष्टता बढ़ जाती है, तो उस समय पर अग्नि जो सूर्य है वो 12 सूर्यों का उस समय पे ताप चालू हो जाता है, और ताप बढ़ते 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 सब कुछ जलाने लगता है, और ये पूरे फिर पृथ्वी जलने लगती है, आग आग के गोले परिवर्तित हो जाती है। तब फिर वहां पे ये जो प्रलयकारी जो वर्षा होती है, तो तब वो बादल वहां पर निकलते हैं और ये पानी से ढक देते हैं पूरी तरह से, है ना, जब ये छोटा वाला जो प्रलय होता है तब की बात है। तो उस वहां पर पूरा ढक के उसके बाद चतुर्युग कंप्लीट होने के बाद ये जब 3 लोग जब डूब जाते हैं, जब ये कह सकते हैं कि आप ब्रह्मा जी जब चतुर्युग के बाद, कलयुग के बाद की बात है, तो सतयुग जब वापस आने वाला होगा तो उस समय पर इस तरह का, तो वो प्रलय के समय में, तो ये जो पानी है, ये जो जल है, ये जल जाकर पूरी तरह से ढक देता है। तो वो उस जल को, उस बादल को बुलाया गया असमय यहाँ पर वृंदावन में बरसात के लिए। तो जब वृंदावन में बारिश चालू हुई तो बारिश, हम जैसे देखते हैं ऐसा बारिश तो था नहीं, वो बारिश ऐसा कि जैसे कंटिन्यूस एक मोटा पाइप से पानी निकल रहा है एकदम, जैसे नहर का पानी आता है ना एक साथ, या फिर समझ लो जैसे बाल्टी बाल्टी पानी डाल रहे हैं किसी के ऊपर, तो वैसा पानी गिरने लगा। सब लोग आश्चर्य पड़ गए, ये क्या हो रहा है, ये तो अचानक से बाढ़ आ रहा है, मतलब आप 10-15 मिनट वेट करेंगे इतने में पूरा डूब जाएगा, ऐसी स्थिति। तो सब जगह पानी भर गया, लोग डूबने लगे, गायें बहने लगी, खेत खलिहान सब पहले ही डूब चुके थे। अब सब बोले कि ये पक्का इंद्र का प्रकोप है, ये कृष्ण का बात हम लोग मान लिए, अब आपत्ति आ गई, अब भाई क्या करें। तो नंद महाराज के पास सब दौड़े दौड़े गए, महाराज अब बचाइए, अब क्या करें, आपके कृष्ण के कारण तो ये हो गया, अब क्या करें, तो फंस गए। अब इंद्र को कैसे मनाए, अभी तो हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है कि हम उसका पूजा वापस कर सके, इतना कुपित हो गया है कि वो तो हम सबका भी मृत्यु बनने वाला है, अब क्या करें।
तो फिर नंद महाराज तुरंत भगवान कृष्ण के पास गए, बोले कि कृष्ण देखो तुम्हारे कारण अब देखो हम कितना तकलीफ झेल रहे हैं, कितना कष्ट में मिल रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, आइए हम सभी गोवर्धन के पूजा हमने किया ना, तो हम गोवर्धन जी से शरण लेते हैं, उनके पास चलते हैं, वो हमारे लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो सब लोग उसमें से और कुछ लोग बोलने लगे अब ये पर्वत हमको क्या हेल्प करेगा, हमने पूजा तो कर दिया इस बालक के कहने में, अब जाके समस्या आ गई तो बोल रहा है कि पर्वत से जाके मांगेंगे आश्रय, ये कौन सा तरीका है। तो नंद महाराज बोले कि चलो चलते हैं गोवर्धन में, हमें कुछ सहायता करेगा, नहीं तो हम गोवर्धन पे ही हमारे प्राण त्याग देंगे। कोई बात नहीं चलो चलते हैं। तो सब चलते हैं, सब जाते हैं, आखिरी एक ट्राई तो कर ही लेंगे जीवन का। तो सब वहां चलते हैं और सब वहां जाकर गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि ये गोवर्धन आपने हमें इतना आश्रय दिया, इतना सहारा दिया, अभी इस ऐसी बुरी परिस्थिति में हमें आपसे सहारे की आश्रय की आवश्यकता है, तो कृपया हमें आश्रय प्रदान करें। तो भगवान कृष्ण ने सबसे प्रार्थना करवाया। अब भगवान कृष्ण गोवर्धन को जाकर वहां पास जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, तो बोले कि आइए इसके नीचे हम चले जाते हैं। तो सब भगवान ने फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे भगवान आते गए एक एक हाथ के सहारे से वो गोवर्धन को खिसकाते गए। तो धीरे 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 गोवर्धन उठने लगे एक साइड से। तो सब लोग को आश्चर्य हुआ, अरे क्या हो रहा है। तो भगवान कृष्ण अंदर जाते 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 बीच में खड़े होके उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी वाली उंगली, इस उंगली पे गोवर्धन को उठा लिया। बाएं हाथ की छोटी उंगली का क्या मतलब होता है, सबसे वीक पॉइंट। जैसे जो राइटी होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, उन लोग का लेफ्ट हैंड कमजोर होता है, और लेफ्ट हैंड में भी ये छोटा वाला उंगली, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, मैंने बेचारा क्या इससे क्या क्या ही कर लेंगे इससे। तो इस उंगली से उठाया था भगवान ने, ये दिखाने के लिए कि भगवान को एक्चुअली उंगली की आवश्यकता भी नहीं, भगवान तो वो पर्वत इस पे टिका भी नहीं था, ऐसा वो पर्वत इससे ऊपर ही था, भगवान अपने संकल्प मात्र से ऐसा उठा के रखे वो दिखाने के लिए। पोज भी अच्छा था ना भगवान का, पोज भी तो देना है, भगवान ने 7 दिन तक एक पोज दिया सब बांसुरी पकड़ के, ये पोज भी तो अच्छा है ना, तो होना चाहिए। जितना भी वृंदावन में भगवान ने जो भी लीलाएं की है, मुझे सबसे अच्छा यही वाला लगता है कि किंगडम फर्स्ट ऐसा उठा के खड़े एक उंगली में, एक उंगली में बांसुरी, 7 दिन तक छोटा बच्चा है कुछ खा पी नहीं रहे, कोई नहीं खा पी रहे, लेकिन भगवान ऐसे खड़े हैं एकदम स्टाइल में, एक हाथ में ऐसा रखे होंगे जो भी। तो भगवान ऐसे खड़े हो गए, अभी सब ग्वाल बाल तुरंत दौड़े अंदर, सब ग्वाले सारे बच्चे सारी माताएं अपने अपने गाय जो भी पशु धन सबको लेके आए थे, सब दौड़े अंदर। इसलिए नहीं कि हमको अंदर शेल्टर लेना है, इसलिए दौड़े कि शायद कृष्ण नहीं उठा पाएगा, तो चलो हम लोग जाके सहारा डंडा सहारा लगाएंगे। सब लोग दौड़ दौड़ के गए और सब लोग अपना अपना डंडा टिका दिए, सब सोचे कि भगवान को हम सहारा देंगे। तो मधुमंगल वहां पे बोलने लगे कि एक्चुअली मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ, मेरे मंत्रोच्चार से ये पहाड़ ऊपर उठा हुआ है। भगवान कृष्ण सब सुन रहे हैं, सब लोग अपना अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि ये कृष्ण नहीं कर पाएगा, सब अपना अपना डंडा टिका के रखे, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग अगर होते वहां पे हम लोग छोड़ देते, लो भाई, फिर सब 2-4 लोग दब जाते फिर उठाते, बोला था ना ज्यादा होशियारी नहीं मांगने का, तो ये हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं, सारा क्रेडिट ले लो भगवान से, कोई दिक्कत नहीं, भगवान कृष्ण बस यही चाहते हैं कि वृंदावन वासियों को कुछ ना। तो इंद्र ने ये जो काम किया, लेकिन एक हिसाब से भगवान को अच्छा लगा, क्योंकि 7 दिन 7 रात तक सारे वृंदावन वासी एक साथ थे, रात भर वहां पर भगवान का कीर्तन कथा गुणगान होता था, लोग भगवान का भजन गाते थे। आज भी ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं वृंदावन के लोग, उन लोग रात में भगवान का भजन कीर्तन होता है। तो इस तरह से जो घटना है वो वृंदावन वासियों को एक साथ लाने का काम किया। जब ब्रह्मा जी ने सब लोग को, जब ब्रह्मा जी जब ले गए थे ग्वाल वालों को, तो उन लोग ने उन्होंने अलग कर दिया था भगवान से वृंदावन वासियों को, इसलिए वो अपराध बड़ा अपराध माना भगवान, जबकि इंद्र ने तो सबको एक साथ लिया है। लेकिन फिर जब 7 दिन 7 रात तक जब इतना बारिश होने के बाद भी वृंदावन में कुछ हलचल नहीं हुई, तो सुनो ने आकर
रेस्पॉन्ड किया कि देखो भाई वो लोग तो ऐसा बड़े आराम से गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठे हुए आराम से सब लोग का चल रहा है जीवन यापन, आसपास का फल वल तोड़ के ले आ रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, सब चल रहा है, पिकनिक मना रहे हैं। तो फिर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, ये क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। अब भगवान कृष्ण अपने बांसुरी से उसके बाद फिर वो खुद आए इंद्र की देखने के लिए कि अभी मैं जाता हूँ, क्योंकि तब भी उनको भी और भी तब तक उनका शांत नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि अभी मैं जाके करता हूँ, ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। जब वो आए तो उसके बाद फिर भगवान कृष्ण अपने बांसुरी से सारा जल को सोख लिया उन्होंने वृंदावन सिटी से। तो इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ, इंद्र आए नीचे, भगवान कृष्ण ने सबको बाहर निकाला, सारे वृंदावन वासी बाहर आ गए और उन्होंने एज इट इज गोवर्धन को वापस रख दिया। तो सब लोग अपने अपने काम पे धीरे धीरे करके चले गए। तो इंद्र धीरे धीरे अपना सिर झुकाए भगवान कृष्ण के पास आए, बोले कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभी एहसास हुआ कि मैंने आपके प्रति कितना बड़ा भूल कर दिया, कितनी बड़ी गलती हुई। भगवान बोले कि इतना समय तक से जो भी मैं लीला कर रहा था, इतने लोगों को मार रहा था, तब तो आगे ताली बजा के जा रहे थे, जब बकासुर था तो मैं तो स्वयं उसको मारा था, धेनु का सुर, अगासुर, इन सबको जब मैं मार रहा था तब तो ऊपर से आप लोग फूल फेंकते थे, ताली बजाते थे, और अभी क्या दिक्कत हो गया आपको। तो ये भगवान की माया है दिखाने के लिए कि लोग भ्रमित हो जाते हैं, इंद्र चंद्र ब्रह्मा जी शिव जी भ्रमित हो जाते हैं। तो खैर इंद्र भगवान इंद्र जी ने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान को सुरभि गाय लेकर आए थे, क्योंकि वो गाय की आड़ में आए थे। क्या है कि जब हम गलती कर देते हैं, इसमें बहुत अच्छा सिद्धांत है। मान लीजिए आपको किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है, अब आप क्या करेंगे उससे, आपकी गलती है, आपने बहुत बड़ा गलती कर दिया, तो उस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है ऐसे व्यक्ति के छिप उसके आड़ में आप छिप के जाएंगे, या तो उस व्यक्ति को आप सामने कर देंगे, वो आपके लिए बात करेगा, आपके लिए वो पैर भी करेगा कि रोजी माफ कर दीजिए, वो अच्छा लड़का है, कभी कभी गलती कर देता है। उसी तरह से जो इंद्र थे वो सुरभि जी को लेके गए, सुरभि गाय को, जानते हैं कि भगवान गाय को बहुत मानते हैं, गाय के बहुत हितैषी, तो इसीलिए वो सुरभि गाय को लेके गए और गाय को आगे करके भगवान को पहले तो शांत किए, पेसिफाई हो जाए, भगवान शांत हो जाए, अब मैं अपनी बात रखूंगा। तो सुरभि गाय के दूध से भगवान का उन्होंने अभिषेक भी किया, आज भी वहां पे सुरभि कुंड है ना गोवर्धन के तट पे, तो वहां पर हम देख सकते हैं। उस समय पे सुरभि कुंड को अभी भी देखेंगे ना तो थोड़ा सा दूधिया रंग का है ना, वो हो सकता है आप बोलेंगे जिसमें तो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हो, तो काई का रंग अलग है, ग्रीन एल्गी का रंग हो जाता है, लेकिन वो आज भी सुरभि जो कुंड है वो दूध था एक्चुअली, वो दूध से वो कुंड बना था। तो भगवान वहां पेसिफाई हो जाते हैं, इंद्र को क्षमा करते हैं और इस प्रलयंकारी वर्षा वाला वृंदावन का ये घटना यहाँ पर समाप्त होता है, जहाँ पर गोवर्धन का पूजा हुआ, गोवर्धन से आश्रय लिए, गिरिराज गोवर्धन ने समुचे मतलब स्वयं भगवान का एक रूप है ना गोवर्धन। वृंदावन में तीन पर्वत है, ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के, शिव जी के। ब्रह्मा जी का जो पर्वत है वो कहाँ पर है, बरसा। शिव जी का जो पर्वत है वो, शिव जी जिस पर्वत के रूप में है वो नंदगांव में, और भगवान विष्णु जिस पर्वत रूप में है वो गोवर्धन है। तो इस तरीके से वृंदावन में तीनों के अलग अलग रूप में वहां पर पर्वत है। तो गोवर्धन पर्वत का फिर सबने प्रदक्षिणा किया कि इसने हमारा इतना उपकार किया है, हमने पूजा किया, तब से चालू है गोवर्धन पूजा, गोवर्धन परिक्रमा है ना, और आज भी गोवर्धन जी का पूजा होगा, परिक्रमा होगा। आज तो वृंदावन में गोवर्धन के आसपास इतने अन्नकूट, इतना भंडारा होता है कि उसका कोई था, उसका कोई सीमा नहीं। चारों ओर गोवर्धन के चारों ओर है ना, आपको ऐसा खाली जगह नहीं मिलेगा, पूरा एक तरफ से ऊपर से कैमरे लेंगे ना, पूरे गोवर्धन के चारों ओर खोपड़े ही खोपड़े दिखेंगे। इतना नहीं, कहीं कहीं दूर में कहीं चौड़ाई में लोग पूरा एकदम रोड बना रहे, पूरा चारों ओर जगह। और ऐसा भी है कि उस अगर उसको आप कोई फेंक के भी देता है, क्योंकि वहां पे ऐसे ही बांटते हैं, फेंक के बांट रहे हैं, तो जमीन में गिर गया उसको भी उठा के लोग खा सकते हैं। अरे बंदर इतना है, बंदरों का मौज बन जाता है,
उसके बाद अंतिम जो असुर है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं लास्ट, फिर ये फाइनल हमारा कंक्लूड करेंगे। तो वो है केशी। ये घटना होती है वृंदावन में वर्षा होने के बाद, फिर भगवान का रास नृत्य होता है गोपियों के साथ। ये थोड़ा डिटेल में है इसके बाद, क्योंकि भगवान बड़े होते हैं, रास नृत्य होता है, भगवान गोपियों के साथ प्रेम विहार करते हैं। अब जिस दिन भगवान को नास्तिक कंस, कंस को नास्तिक का प्रतीक बताया गया, जब ये कंस जब बुलावा भेजता है अक्रूर जी के द्वारा, तो जिस दिन अक्रूर जी निकलते हैं उसी दिन ये केशी वाला घटना होता है। केशी जो राक्षस था वो एक असुर, एक एक घोड़े के रूप में आता है, और घोड़े के रूप में आता है भगवान के पास, बहुत विशाल घोड़े के रूप में, और वो भगवान पर प्रहार करने लगता है। तो भगवान क्या करते हैं, किस तरीके से मारते हैं, भगवान मारते हैं सीधा उसके मुंह में हाथ डाल देते हैं। केशी नहीं, नहीं ये घोड़ा, घोड़ा के रूप में था वो, अरिष्टासुर है, अलग है, राधा कुंड मंडलाष्टमी वाला। तो ये केशी देव, केशी राक्षस की बात करें तो इसके मुंह में जोर से प्रहार करते हैं, और भगवान वहां से फिर अपना हाथ जो मुक्का है उसका साइज बढ़ाने लगते हैं। एक तो ये गर्म भी होने लगता है भगवान पर, इसका साइज बढ़ाने लगते हैं। तो जब इतना बढ़ाते 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 उसका मुंह फट जाता है। इस तरीके से भगवान उस केशी राक्षस को मारते हैं। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं कि जो केशी राक्षस है वो राजनीतिक जो इच्छाएं होती हैं लोगों की, जो एम्बिशन होती है, महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, इसका प्रतीक है। राजनेता लोग जो महत्वाकांक्षा रखते हैं दूसरों को परेशान करके, अपने ही जेब भरना, अपना उल्लू सीधा करना, तो केशी उसका प्रतीक है। क्यों उसका प्रतीक है, क्योंकि वो भगवान को अटैक कर रहा है और सारे लोगों को वहां पर मारने का वो प्रयास कर रहा था। ये अंतिम दिन था जिस दिन भगवान ने मारा था। तो केशी के बाद एक और असुर मरता है, वो फाइनल ब्रह्मासुर। उसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा से क्यों जोड़ा गया केशी को, क्योंकि केशी एक घोड़े के रूप में था। घोड़ा प्रतीक होता है ऑपुलेंट का, ऐश्वर्य का। घोड़ा होता है एक ऐश्वर्यवान, जो लोग होते हैं बड़े लोग ऐसे लोग रखते हैं। बाकी इतने पहले तक अभी जो आ रहे थे सांप, गाय, बछड़ा, भैंस, सांड, ऐसे ऐसे रूप में आ रहे थे, अभी ये घोड़ा रूप में था। तो घोड़ा जो होता है वो ऐश्वर्य का प्रतीक है, जो राजा महाराजा लोग होते हैं घोड़ा उस चीज का प्रतीक होता है। तो वैनिटी ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन, मतलब जो हमको राजनीतिक महत्वाकांक्षा का ये प्रतीक है, तो लोग उसके लिए अपना पूरा, लोगों को परेशान करते हैं, आम आदमी को परेशान करते हैं। तो केशी राक्षस भी आया था सारे जो ग्वाल बाल थे इन लोग को भी परेशान करने। तो भगवान कृष्ण ने सबसे पहले देखा वो ग्वाल बालों को परेशान कर रहा था, तो फिर भगवान कृष्ण की तरफ बोला कि हाँ ये आ गया, तो फिर भगवान ने उसको उस तरीके से उसका वध किया। तो इस तरीके से हमने ब्रीफ में कुछ असुरों के बारे में वर्णन किया जो वृंदावन में आए, और किस तरह से भगवान कृष्ण ने उनका वध किया, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किस चीज, किस अवगुण का या किस बुराई का वो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बारे में हमने चर्चा किया। हरे कृष्ण।